नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लीला जैसवाल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे छोले मसाला बनाने की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो छोले मसाला सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए है 250 ग्राम काबुली चने, जिसे हमें 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट भिगो कर रखना है। 3 मीडियम साइज की टमाटर की ग्रेवी, 3 मीडियम साइज की प्याज की ग्रेवी, 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट, 3 हरी मिर्च की पेस्ट, 50 ग्राम हरा धनिया। खड़े मसालों में हमने लिया है 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 काली इलायची और 3 तेज पत्ते। खड़े मसाले पसंद नहीं है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। 3 साबुत सूखी मिर्च, 1 और आधा टीस्पून छोले मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर ऑप्शनल है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून चाय पत्ती, जिसकी हम पोटली बनाकर चने उबालते समय उसमें डालेंगे, इससे चने का कलर थोड़ा लाल होता है। फिर 6 से 7 टेबलस्पून तेल और ज़रूरत के हिसाब से पानी। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा कप डालेंगे, उसमें चाय पत्ती डालेंगे और उसे अच्छे से गांठ लगाकर बंद करेंगे। गांठ अच्छे से लगानी है ताकि पोटली खुले नहीं और हमारे चने खराब ना हो। तो हमारी चाय पत्ती की पोटली तैयार है। अब हम एक कुकर लेंगे, उसमें भीगे हुए चने डालेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे। पानी का लेवल चने से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। फिर उसमें चाय की पोटली रखेंगे। कुकर को हम गैस पर रखेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और 5 से 6 सीटी बजाएंगे। तो 6 सीटी बज गई है, अब हम गैस ऑफ करेंगे। कुकर के ढक्कन को अभी नहीं खोलना है, कुकर में से सारा प्रेशर बाहर निकल जाए तब हम उसे खोलेंगे। तब तक हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल गर्म करने के लिए डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, फिर उसमें सारे खड़े मसाले डालेंगे। एक टीस्पून जीरा डालेंगे और उसे अच्छे से हिलाते हुए पकाएंगे। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट डालेंगे, उसे अच्छे से हिलाते हुए फ्राई करेंगे। फिर उसमें साबुत लाल मिर्च डालेंगे, उसे अच्छे से हिलाते हुए फ्राई करेंगे। फिर उसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, उसे भी अच्छे से हिलाते हुए फ्राई करेंगे। फिर उसमें प्याज की ग्रेवी डालेंगे, उसे अच्छे से हिलाते हुए तब तक भूनना है जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो प्याज की ग्रेवी अच्छे से भून चुकी है, अब हम उसमें टमाटर की ग्रेवी डालेंगे।
उसे भी अच्छे से हिलाते हुए भुनना है। तो हमारे टमाटर की ग्रेवी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम उसमें एक और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, एक और आधा टीस्पून छोले मसाला पाउडर डालेंगे और उसे अच्छे से हिलाते हुए फ्राई करेंगे। अब हम उसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए ढक देंगे। तब तक हम कुकर का ढक्कन खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चने कितने अच्छे से लाल हुए हैं। उसमें से चाय की पोटली हटा देंगे। देख लेते हैं कि चने अच्छे से बॉईल हुए हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चने अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम उसमें से पानी हटा देंगे। अब हम कढ़ाई पर से ढक्कन हटाएंगे। हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, हम उसे मिला लेते हैं। अब हम उसमें बॉईल किए हुए चने डालेंगे, उसे अच्छे से मिला देंगे। फिर से 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद करेंगे और उसे पकने देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे, उसे अच्छे से मिला देते हैं। अब हम उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, उसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम उसमें आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, उसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, उसे भी अच्छे से मिला देंगे। लास्ट में हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसे भी अच्छे से मिला देंगे। हमारा छोले मसाला तैयार हो गया है। अब हम गैस ऑफ करेंगे। सब्जी को हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। तो हमारी छोले मसाले की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। आप ये रेसिपी घर पर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ऐसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।